प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर गुड मॉर्निंग। ये तो हम मान के ही चल रहे थे कि फेड 1% की वृद्धि करेगा जो कि हुई है लगातार इस साल तीसरी बार आगे, लेकिन दरों में भारी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, महंगाई को लेकर चिंता बरकरार है। आप फेड के फैसले ये सारे अनाउंसमेंट्स को कैसे देखते हैं? जो इनका जैक्सन होल में इन्होंने कहा था कि हायर फॉर लॉन्गर, लंबी अवधि के लिए हम रेट्स को ज्यादा ऊंचा रखेंगे, वही कल निकल के आया। तो जो एक डॉट प्लॉट बनाते हैं फेड के सारे जो वोटर्स हैं, उन्होंने एक जो दिखाया कि इस साल के अंत तक रेट जो पहले रेट दिख रहा था कि 3.5 से 3.5% का रेट रहेगा 2022 के अंत तक, वो 4.4% और अगले साल 4.6% और 2023 में कोई कटौती नहीं। इन्फ्लेशन का नंबर ज्यादा बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ा और जीडीपी ग्रोथ का नंबर नीचे आया, इंटरेस्ट रेट का नंबर बढ़ा। दूसरा अहम कारण ये रहा कि जो ये 1% की वृद्धि हुई, अब लगभग तय है कि नवंबर में एक और 1% की वृद्धि और 50 बेसिस पॉइंट और एक और दिसंबर में, तो 1.25% का और इजाफा होगा रेट्स में इसी साल में, और अगले साल फिर शायद 1.25 का या 2.25 के रेट हाइक पहले क्वार्टर में। तो ज्यादा रेट बढ़ेंगे और जो उनकी कमेंट्री आई, पहले मार्केट थोड़ा सुधरा था उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बट अंत में आते आते उन्होंने यही कहा कि हाउसिंग मार्केट करेक्शन में आ गया है और कितना देर लगेगी वो नहीं पता, रिसेशन आएगा कि नहीं कह नहीं सकते और रिसेशन कितना डीप जाएगा कह नहीं सकते, बट करेक्शन तो चाहिए होगा इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग इनकी कमेंट्री आई, उसके चलते हमने देखा मार्केट्स में गिरावट आई और फिर मार्केट्स रिकवर नहीं करे, एक ही घंटा रह गया था जब तक इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ जी। तो ओवरऑल हायर फॉर लॉन्गर का मंत्र है कि ज्यादा रेट बढ़ेंगे और ज्यादा अवधि के लिए बढ़ेंगे। ओके, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। अपना विश्लेषण फेड पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर रखने के